नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 69 चैनल और मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। एमपीपी लोकसभा चुनाव के दौरान इंडिया गठबंधन के विजन को प्रमुखता के साथ जनता तक पहुंचने के लिए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मीडिया का आभार व्यक्त किया है। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में पत्रकारों से चर्चा करते हुए जीतू पटवारी ने कहा कि मीडिया ने कांग्रेस इंडिया गठबंधन का जो विजन था उसे जनता तक पहुंचाया। जीतू पटवारी ने कहा कि विधानसभा चुनाव के दुखद परिणाम के बाद भी कार्यकर्ताओं ने मजबूती के साथ चुनाव लड़ा। इस बीच जीतू पटवारी ने एमपी बीजेपी के 29 पार वाले संकल्प पर निशाना साध वे कहा, आखिरी चरण में तो बीजेपी ने दावा ही नहीं किया, जो 29 सीट जीतने का दावा वो कर रही थी। पीएम नरेंद्र मोदी ने चुनाव के बीच बहुत सारी झूठी बातें बोली। कांग्रेस के न्याय पत्र को लेकर आरोप लगाया कि मंगलसूत्र छीन लेंगे, जिसे दुनिया भर में क्रिटिसाइज किया गया। झूठ और मोदी का चूली दामन का साथ है। जीतू पटवारी ने कहा कि मोदी केवल नफरत, घृणा और बंटवारे की राजनीति करते हैं। बीजेपी के किसी नेता ने अपने विजन डॉक्यूमेंट का जिक्र नहीं किया। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आदिवासियों का अपमान किया। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बंगाल में झूठ बोला। उन्होंने कहा कि महिलाओं को एमपी में 3,000 रुपए मिल रहे हैं, यह चाइना का माल, मोदी की गारंटी है। इस बीच जीतू पटवारी ने दावा करते हुए कहा कि लोकसभा का परिणाम आश्चर्यजनक होगा, एमपी कांग्रेस डबल डिजिट में सीट ले आए तो आश्चर्य नहीं होगा। इस मौके पर एमपी में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर जीतू पटवारी ने कहा कि मैंने 5 पत्र सीएम मोहन को लिखे हैं, उनसे गृह विभाग नहीं संभाला जा रहा, इसलिए उनको गृह विभाग किसी और को दे देना चाहिए। भोपाल में निजी स्कूल संचालक के खिलाफ बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा है, क्योंकि वो बीजेपी का साथी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्यमंत्री मोहन यादव को जीतू पटवारी ने चापलूस करार दे दिया। उन्होंने एनसीआरबी के आंकड़ों के आधार पर कहा कि एमपी में 25% अपराध बढ़े हैं, लगातार अवैध वसूली और महिला अपराध बढ़ रहे हैं। जब से सीएम का पद मोहन यादव ने संभाला है, प्रदेश भर में उनके रिश्तेदार धमकियां दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह दलालों की सरकार है, हर सरकारी विभाग में दलाल सक्रिय है, जल्द हम दलालों की सूची जारी करेंगे, किस विभाग में कौन दलाल है उन सबके नाम हम जारी करेंगे। न्यूज 69 के लिए भोपाल से आदिल खान की रिपोर्ट। प्रदेश में कैसा बना? हमारे प्रधानमंत्री जी ने शुरुआत से एक नारा दिया, मोदी परिवार, मोदी परिवार 140 करोड़ लोग। जैसे ही पहले चरण का चुनाव हुआ, उनकी भाषा और उनकी भावना कैसी स्तरहीन हुई। देश के प्रधानमंत्री होते हैं पार्टी के, विरोधी दल के या एक दल के नहीं होते हैं। तो ऐसे में चूंकि देश के प्रधानमंत्री तो हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, तो मोदी जी ने जो 5 न्याय कांग्रेस पार्टी की गारंटियां थी, 25 और 5 न्याय थे, उसको लेके कहा कि कांग्रेस आपके मंगलसूत्र छीन लेंगे। मतलब एक देश के प्रधानमंत्री का इतना निम्न स्तर का बयान, दुनिया में क्रिटिसिज्म हुआ उसका। फिर उन्होंने एक दिन कहा कि जो मनमोहन सिंह जी कहते हैं कि आपकी संपत्ति एक विशेष वर्ग को दे देंगे, कभी नहीं कहा मनमोहन सिंह ने, पर प्रधानमंत्री जी का ये झूठ, अद्भुत झूठ, अकल्पनीय झूठ। फिर उन्होंने कहा कि धर्म के आधार पर कांग्रेस पार्टी आरक्षण देना चाहती, कभी कांग्रेस पार्टी ने इस मोटिवेशन को नहीं किया, कांग्रेस पार्टी ने कभी नहीं बोली है हम जातिगत आधार पर आरक्षण है उसके समर्थक हैं, थे और रहेंगे संविधान में। तो एक पाखंड ये। फिर अडानी और अंबानी जी ने जो टेम्पू में बोरे भर भर के पैसे भेजे, नोट भेजे, मतलब देश का प्रधानमंत्री जो आज 10 दिन बाद भी, बयान देने के बाद भी एक आदमी नहीं गया उनके पास या किसी और के पास या किसी, मतलब झूठ और मोदी जी चोली दामन का साथ, एक दूसरे के पर्याय है। अब आप देखो, एक इंटरव्यू में आदरणीय मोदी जी ने कहा इसी चुनाव के दौरान कि मुसलमान भाइयों को भारत कांग्रेस पार्टी वोट बैंक नहीं समझे और उनको सोचना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी उनको वोट बैंक समझती, उनके लिए कुछ नहीं किया कांग्रेस ने। और दूसरी जगह भाषण में कहते हैं कि सारा बजट का पैसा उन्हीं को दिया इनने 70 साल में। मतलब मेरे देश के प्रधानमंत्री सिर्फ नफरत और घृणा पे चुनाव चाहते हैं, बंटवारे पे चुनाव चाहते हैं। 10 साल के हिसाब पे कांग्रेस के 5 न्याय और वचन पत्र, 25 गारंटी पे नरेंद्र मोदी ने 20 भाषणों में जिक्र कर दिया। एक भी बार भारतीय जनता पार्टी ने उनके वचन पत्र पे, क्या है बीजेपी का वचन पत्र, क्या है उनका घोषणा पत्र, क्या है उनका वो विजन डॉक्यूमेंट, कभी एक बार भी नहीं। जिस दिन वचन पत्र, घोषणा पत्र, विजन डॉक्यूमेंट आया था, उस दिन अखबारों की सुर्खियां बना था, उसके बाद एक बीजेपी के नेता ने उसका जिक्र तक नहीं किया।
इसका मतलब उनके पास कुछ था नहीं। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, इनके इसका असर नीचे भी हुआ बीजेपी का। मोहन यादव जी गए तो उन्होंने कहा मुफ्त का अनाज लेते हो, वोट नहीं दोगे क्या? आदिवासियों मुफ्त का तुम अनाज लेते हो, हमारी सरकार देती है, वोट नहीं। एक कितना अपमानित करेगा आदिवासियों को एक प्रदेश का मुख्यमंत्री। मतलब मुझे शर्म आती है कि हमारे प्रदेश में जो सबसे बड़ा आदिवासी प्रदेश है देश में, उसमें देश प्रदेश का मुख्यमंत्री, जो मैं बार बार कहता हूं पर्ची के मुख्यमंत्री है, 3C के मुख्यमंत्री है, ये क्यों कहना पड़ता है? ये इसलिए ही कहना पड़ता है कि उनके धीरे 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 वक्तव्य इस स्तर के आते हैं। फिर शिवराज जी ने कल बंगाल में कहा कि हम मध्य प्रदेश में बहनों को 3,000 दे रहे हैं, अभी 1,250 है, अब 3,000 की प्लानिंग है। शिवराज जी ने पूरे चुनाव में मध्य प्रदेश में एक दिन भी नहीं बोला, ये बंगाल में बोला जाके। शिवराज जी आपके हलक से विदिशा में ये बात क्यों नहीं निकली? अरे आपके मुंह से मध्य प्रदेश में आपने इतनी सभाएं की, वहां एक बार भी 3,000 के बाद हम चिल्ला चिल्ला के कहते रहे कि 5 गारंटी मोदी की थी, एक भी पूरी नहीं हुई। आज 4 महीने हो गए, न 2700 के गेहूं का दाम दिया, न 3100 के धान का दाम दिया, न 3,000 बहनों को दिया, न 450 का गैस सिलेंडर दिया। आपने मोदी जी ने जो बोला झूठ बोला, चाइना का माल मोदी गारंटी, ये हम बार बार कहते रहे, यहां नहीं बोले। मतलब कुल मिलाकर झूठ के आडंबर पर चुनाव लड़ने की जो प्रयास था इनका, ये अद्भुत और अकल्पनीय पहली बार मध्य प्रदेश में हुआ है भारतीय जनता पार्टी का। जब परिणाम आएंगे आश्चर्यचकित आएंगे। कई पत्रकार लिखते हैं, कई परिवार के लोग भी बताते हैं कि कहीं 2 सीट आएगी, कोई 5 सीट आएगी, कोई 9 सीट आएगी, कहीं 11 भी हो सकती है। बीजेपी की 29 तो नहीं, अब तैयार 5-7 तो भी कांग्रेस ला सकती है। ऐसी बातें अखबारों में भी आप लोगों की बातों में हम सुनते रहते हैं। 3 महीने पहले इतनी बड़ी हार के बाद मेरे कांग्रेस के कार्यकर्ता नेताओं ने एकजुटता से जो प्रदर्शन किया, आश्चर्यचकित परिणाम निकले। और मैं मानता हूं ऐसा कि हमारी डबल डिजिट में यहाँ की लोकसभा सीट भी निकल जाए तो बहुत आश्चर्य मत समझना आप लोग, और मध्य प्रदेश की जनता भी नहीं समझे। पर हम विपक्ष में, हमारा दायित्व है, ये चुनाव आए, हमने चुनाव की प्रोसेस पूरी की, अब हमारा दायित्व है हमारे संगठन को स्ट्रेंथन करना, हमारी विचारधारा और आइडियोलॉजी पर काम करना। हमें अब आवश्यकता है कांग्रेस पार्टी को कि अपने 3 साल 3-4 बार हम चुनाव हारे हैं, इसका बात उठा दी। एक केस आया था कि जीएसटी देनी पड़ेगी, अवैध वसूली। एक थोड़े दिन पहले ग्वालियर या कहीं आया था केस, अभी जबलपुर में गोलियां चलाते हुए एक वीडियो आया था। मतलब कहने का ओएसडी बनकर गए मुख्यमंत्री के ओएसडी, थोड़े दिन पहले एक केस आया था मुख्यमंत्री के ओएसडी, जिन्होंने 20 लाख रुपए की ठगी की 6 अधिकारियों से, बैंक खातों में ट्रांसफर करवा लिया सीधे। टीकमगढ़ निवाड़ी में सक्रिय थे, टीकमगढ़ निवाड़ी में। तो कैसा गृह मंत्री है हमारा? कुल मिला के कहानी यह है एक ग्वालियर में जो केस हुआ था उसमें 15 साल की बच्ची थी, वो पूरा परिवार ग्वालियर छोड़ के भाग गया, मिला ही नहीं, ढूंढ ढूंढ के पुलिस भी परेशान हो, रेप डला, उसके बाद वो कभी नहीं मिला। तो कुल मिला के कहानी इतनी है कि लगातार कानून व्यवस्था गड़बड़ा गई है। मैं फिर से जो एनसीआरबी के आंकड़े हैं उनमें भी 2021 में अनुसूचित जाति जनजाति के जो अपराध बढ़े, 50,900 घटनाएं हुई, उसमें मध्य प्रदेश की 7,200 घटनाएं थी, ये पिछला कार्यकाल जो गया था 21। ऐसे ही 25% अपराध बढ़े, 25% अपराध, ये छोटी मोटी बात नहीं है। एसटी एससी महिलाएं सब मिलाकर 25% अपराध का ग्रोथ होना अपने आप में शर्मसार करता है मध्य प्रदेश को। तो मैं मुख्यमंत्री जी से अनुरोध सिर्फ इतना करना चाहता हूं कि आप कर्ज ले रहे हो, कर्ज पर आनंद कर रहे हो, आपके राज्य में क्राइम बढ़ रहा है, क्राइम के साथ साथ करप्शन बढ़ रहा है। तो जो हमारे 3C के मुख्यमंत्री से हमारा आग्रह है, या तो
एक भी आपने मीटिंग नहीं ली कानून व्यवस्था को लेके। कभी हमने अखबार में नहीं देखा कि डीजीपी को या पुलिस के आला अफसरों को या प्रशासन के आला अफसरों को आपने कानून व्यवस्था को लेके बुलाया। तो मुख्यमंत्री जी संज्ञान में लें इन अपराधों को, इन बहनों की असमत को, ये बढ़ता हुआ लगातार अवैध वसूली को। कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि एक दिन अपहरण की घटनाएं होने लगे और जैसे पकड़ होती थी फिरौती होती थी, उस तरह का प्रदेश तो हमारा नहीं बन रहा है। और एक विशेष वर्ग जो मैंने बार बार कहा पूरे प्रदेश में सक्रिय हो गया, पूरे प्रदेश में, कि हमारे रिश्तेदार है मोहन यादव जी, हमारे परिवार के मोहन यादव जी, हम ये ट्रांसफर करवा देंगे, हम ऐसा कर देंगे, ये आपका टेंडर करवा देंगे। तो मुख्यमंत्री जी इस पे आपकी छवि पे भी असर आएगा। जो कर्मचारी आपने तीन चार अलग अलग तरह के दलाल हर विभाग में भेज दिए हैं, कोई परिवहन विभाग का दलाल काम कर रहा है, गलियारों में बात होती है उसकी, मीडिया जगत में बात होती है, कोई गृह विभाग के अंतर्गत ट्रांसफर में दलाल घूम रहे हैं जो पैसे लेके पोस्टिंग करवाने की बात करते हैं, कई हमारे जो रेवेन्यू विभाग है जिसमें मास्टर प्लान भोपाल का इंदौर का बनना, उसमें बहुत दलाल सक्रिय है। तो अल्टीमेटली ये दलालों की सरकार होगी, ये क्राइम करने वाले माफियाओं की सरकार होगी। मैंने कहा, एक दिन एक ट्वीट कर दिया था कि शहर में कौन सा माफिया पनप रहा है, रतलाम में कौन सा पनप रहा है, इंदौर में कौन सा पनप रहा है। तो बीजेपी ने उस पर पलटवार किया कि ये छवि खराब कर रहे हैं। छवि तो तब खराब हुई थी कि राजनीतिक माफियाओं ने इंदौर के प्रत्याशी का अपहरण कर लिया। छवि तो तब खराब हुई थी आपकी जब एक खजुराहो और इंदौर में आपने एक मत डालने से वंचित कर दिया आम जनता, इतनी बड़ी जीत के बाद, इतने बड़े जनसमर्थन के बाद। तो मैं मानता हूं कि मुख्यमंत्री जी को जल्दी से कानून व्यवस्था को लेकर एक समीक्षा करनी चाहिए, एक व्हाइट पेपर जारी करना चाहिए। जो क्राइम बढ़ता जा रहा है, जो दलाल बढ़ते जा रहे हैं सरकार में, उनको लेकर भी बहुत जल्दी हम खुलासा करेंगे नाम समय कि कौन कौन सा दलाल कहां कहां सक्रिय है और कौन कौन सा अधिकारी किस किस दलाल के थ्रू काम कर रहा है, कौन कौन सा मंत्री किस किस दलाल के थ्रू काम कर रहा है, मुख्यमंत्री के विभाग के ऑफिस में कौन कौन से दलाल सक्रिय है, ये बहुत जल्दी एक लिस्ट जारी करेंगे। तो मैं फिर से कानून व्यवस्था को लेकर प्रदेश बहुत गंभीर अवस्था में है, मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि उस पर सरकार स्पष्टीकरण दे कि 100 दिन के प्लान की बात करने वाली सरकार दिन पे दिन 100 दिन में और बदतर क्यों प्रदेश हो गया। धन्यवाद। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज 69 चैनल। जब तक के लिए धन्यवाद।